आज मेरे कुछ गला ठीक नहीं है, लेकिन आपको वीडियो तो देना ज़रूरी है ना, इसलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नहीं करेंगे तो आपका लेक्चर मिस हो जाएगा, तो हमारी रूटीन का भी अच्छा असर पड़ेगा उस पर। तो थोड़ी सी मुश्किल आएगी बोलने में मुझे, तो जितना भी हो सके कोशिश करना कि आप उसको इग्नोर करें। थैंक यू। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं मीनिंग ऑफ गुडविल, वैल्यूएशन एडजस्टमेंट कैसे करनी है उसकी और क्यों करनी है, और उसके बाद इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, और करेंगे इसको इलस्ट्रेशन के साथ। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू tips.com। मैं हूं आपका अपना अकाउंटिंग दोस्त सरबजीत सिंह। आज हम करने वाले हैं हमारे पार्टनरशिप के चैप्टर रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है वैल्यूएशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग ऑफ गुडविल। अब क्या हो रहा है, जो रिटायरिंग पार्टनर है या फिर डिसीज पार्टनर है, उसका जो शेयर है वो एक्वायर करेंगे रिमेनिंग पार्टनर और कंटिन्यूइंग पार्टनर। ओके, तो उसको शेयर जो एक्वायर करेंगे उस शेयर के बदले उस रिटायरिंग पार्टनर या फिर डिसीज पार्टनर को कंपनसेट करना पड़ेगा। जो अमाउंट वो उसके अगेंस्ट उनको कंपनसेट करते हैं, उस कंपनसेशन के अमाउंट को हम बोलते हैं गुडविल। ओके, अब सिंपल सी बात है, गुडविल तो होती है हमारी जो भी इमेज बनाई हुई है हमने कंपनी की, लोगों की आईज में जो हमारी गुडविल है, मींस वैल्यू है कंपनी की, कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट या फिर कोई प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं बिजनेस का। तो उसमें तो सभी पार्टनर ने मेहनत की होगी ना, तो अभी तो अब तक जितनी गुडविल भी बनी है उसमें जितने पार्टनर थे, तीन थे चार थे, उन सबका कंट्रीब्यूशन इक्वल रहेगा या फिर अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा। ओके, तो अभी जो पार्टनर जा रहा है, रिटायर होके जा रहा है, जब डेथ हो रही है तब जा रहा है, तो उसका शेयर बाकी लोग लेंगे। तो उसने जो मेहनत की थी पास्ट में गुडविल जनरेट करने के लिए, तो वो उस गुडविल का प्रोपोर्शनेट तो मांगेगा ना, कि मेरा जो प्रॉफिट शेयर है उतना हिस्सा मुझे दो मेरी गुडविल का, ताकि मुझे सेटिस्फेक्शन हो सके। ठीक है, उस गुडविल की हम कैलकुलेशन करते हैं, वैल्यूएशन जिसको बोलते हैं, वो गुडविल वाले चैप्टर की तरीके से ही करनी है, जो पहले हमने किया है ना चैप्टर। अगर आपने वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो उस लेक्चर का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूँ, आप वो चेक कर लीजिए। अब आगे हम समझ लेते हैं केसेस कौन कौन से होते हैं जिसमें गुडविल की वैल्यूएशन कैलकुलेट करनी है, और वो कैसे करनी है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लेंगे। मेन हमारे पास दो केसेस हैं, फर्स्ट है व्हेन गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बुक्स, एंड सेकंड है व्हेन गुडविल अपीयर इन द बुक्स। ओके, अब जो जो पहला केस है, जबकि गुडविल नहीं है हमारी बुक्स में दी हुई, मीन्स बैलेंस शीट में कोई गुडविल का अमाउंट नहीं दिया है, उस केस के आगे तीन और केस हैं। उसमें पहला केस है हमारे पास, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, दूसरा केस है गुडविल इज रेज्ड एट इट्स फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ, पूरी वैल्यू का रेज करना है। और तीसरा केस है गुडविल इज रेज टू द एक्सटेंट ऑफ रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर शेयर एंड इज रिटर्न ऑफ। ओके, तो चलिए पहला समझते हैं हम, गुडविल अकाउंट इज नॉट रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, इसमें क्या बोल रहा है उसने, कि जब हम रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल का प्रोपोर्शन देंगे, जो भी उसका शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू उसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो वो क्या करेंगे, हम गुडविल को बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करेंगे, बुक्स के रिकॉर्ड नहीं करेंगे, उसकी एडजस्टमेंट थ्रू करंट और कैपिटल अकाउंट ही कर देंगे पार्टनर्स के। ओके, बुक्स में कुछ नहीं शो होगा कि गुडविल कितनी हुई थी या कितनी होनी थी या कुछ भी, बुक्स में उसका रिकॉर्ड कोई नहीं लाएंगे। ओके, उस केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सिंपल है, एक जनरेटरी रिकॉर्ड होगी, जो गेनिंग पार्टनर होंगे उनको डेबिट कर देंगे, उनकी कैपिटल को हम कम करेंगे, तो जो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर होंगे, एक हो चाहे दो हो, उसको हम कर देंगे क्रेडिट, उनकी कैपिटल या फिर उनका लोन अकाउंट बढ़ जाएगा। ओके, तो जनरेटरी हमारी बन जाएगी गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब गेनिंग पार्टनर एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, जितने भी रिमेनिंग पार्टनर है और जिन जो अब शेयर गेन कर रहे हैं वो
उतना ही उनका ही यहाँ पर नाम आएगा। ओके, और इसकी सोशल नरेशन भी लिख देंगे, बीइंग द शेयर ऑफ गुडविल क्रेडिटेड टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर डेप्टिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर गेनिंग रेशियो। अब इस केस की हम छोटी सी इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक से। सुरेंद्र, रमेश, नरेश एंड मोहन आर पार्टनर इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:2:1। ऑन द रिटायरमेंट ऑफ नरेश, गुडविल वॉज वैल्यूड एट 72,000। सुरेंद्र, रमेश एंड मोहन डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। पास द एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, शो यू आर वर्किंग क्लियरली। अब इसमें क्या है, हमें न्यू प्रॉफिटशीट रेशियो और ओल्ड प्रॉफिटशीट रेशियो गिवन है पहले तो, और हमें गेनिंग रेशियो निकालनी पड़ेगी। गुडविल का अमाउंट दिया हुआ है और गुडविल का टोटल अमाउंट दिया, उसका शेयर निकालेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अमंग द गेनिंग पार्टनर्स। ओके, तो वर्किंग भी नोट भी बना के दिखाने को बोला है उन्होंने, तो वो भी हम करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबको। सबसे पहले इसका वर्किंग नोट बना लेते हैं। स्पेस छोड़ दो, जो क्वेश्चन की होती है उतना सॉल्व हम बाद में कर लेंगे, जल एंट्री लिख लेंगे, उसके बाद हम वर्किंग नोट नीचे कर लेते हैं। उसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। तो सबसे पहले सुरेंद्र का गेनिंग शेयर कैलकुलेट करते हैं। गेनिंग शेयर ऑफ सुरेंद्र इज इक्वल टू, तो न्यू शेयर कितना है, 1/3, क्योंकि सबका इक्वल है, तीनों जो रिमेनिंग पार्टनर है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दोगे आप 2/6 जो सुरेंद्र का शेयर है ओल्ड। ठीक है, इसका एलसीएम लिया 6, हमारा आ गया 2-2/6, मींस ये हो गया 2-2, जे 0 आ गया। ओके, कोई भी गेन नहीं कर रहा है सुरेंद्र, ना ही कोई सेक्रीफाइस कर रहा है, इसकी रेशियो जो थी वो ही रहेगी, तो इसका नील गेन आ जाएगा। ओके, सेम वे अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं रमेश का गेनिंग शेयर। रमेश के न्यू रेशियो आ जाएगी 1/3, और ओल्ड शेयर है उसका 1/6, और इसकी हम कैलकुलेट करते हैं 6 एलसीएम ले लो, और 3/6 2 आ गया, 2/1 2 आ जाएगा, 2-1/6 जे हमारा आ गया 1/6, पॉजिटिव आया, गेन आ गया। ठीक है, सेम वे ही मोहन की कैलकुलेशन हो जाएगी, दोनों का शेयर सेम ही है, ठीक है, इज टू बाय ओल्ड, ठीक है, न्यू भी सेम है, ओल्ड शेयर भी सेम है, 1/3-1/6, कैलकुलेशन सेम हो जाएगी, इसका भी गेन कितना आ गया 1/6। तो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं, तो दो पार्टनर से एडजस्टमेंट करेंगे रमेश एंड मोहन, और रमेश एंड मोहन की हमारी जो गेनिंग रेशियो निकली है वो कितनी आ गई है, 1:1, 1/6:1/6, ये हमारी आ गई 1/1, 1:1। ओके, अब हमने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट कर ली है, उसके बाद हम शेयर ऑफ गुडविल कैलकुलेट कर लेते हैं हमारे नरेश का। नरेश का शेयर कितना है, 2/6 है, 72,000 गुडविल है, तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ गुडविल मल्टीप्लाई बाय शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर या फिर रिटायर्ड पार्टनर, तो के लिए 72,000 मल्टीप्लाई बाय 2/6 जे हमारा निकल के आ गया 24,000 शेयर ऑफ गुडविल किसका, नरेश का। अब इस शेयर ऑफ गुडविल को हम जो देना है हमने नरेश को, जे हम डिवाइड कर देंगे गेनिंग रेशियो में अमंग द रिमेनिंग पार्टनर और गेनिंग पार्टनर जो गेन कर रहे हैं। तो जो रिमेनिंग, एक तो गेन ही नहीं कर रहा, उसने तो बेयर नहीं करना, अगर उसने कोई शेयर ही नहीं लिया तो वो क्यों गुडविल का शेयर देगा। ओके, तो जिन्होंने गेन किया है वो ही बेयर करेंगे। दो है हमारे गेनिंग पार्टनर रमेश और मोहन, दोनों ही इक्वल गेन कर रहे हैं, तो दोनों को इसमें इक्वली डिवाइड कर देंगे 24,000 को, 24,000 में निकल जाएगा 1/2 कर दो इसका, 1/2 किया तो कितना आ जाएगा 12,000 ईच आप जर्नल एंट्री में लिख दोगे। ओके, चलिए अब हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर लेते हैं, फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, और डेट तो हमें कोई बताई नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो लिखिए रमेश कैपिटल अकाउंट डेबिट, मोहन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हमने सारे कैलकुलेट कर लिए है, रमेश कैपिटल अकाउंट के सामने डेबिट कॉलम में 12,000, सेम वे में मोहन के कैपिटल अकाउंट के सामने भी आ जाएगा 12,000, और नरेश की कैपिटल अकाउंट के सामने क्रेडिट कॉलम में आ जाएगा 24,000, और नरेशन आ जाएगी हमारी बीइंग द रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमारा
जर्नल एंट्री हो गया, अकाउंटेंट ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कैलकुलेशन क्या है, गुडविल इज रेज्ड एट फुल वैल्यू एंड रिटर्न ऑफ, मतलब फुल वैल्यू ही रेज करनी है और फुल वैल्यू ही राइट ऑफ कर देनी है, ओके। वो हम कैसे करेंगे, पहले हम गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे कि एसेट्स क्रिएट करेंगे और उसके बाद उसको एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे, डेबिट करेंगे पहले गुडविल को फिर बाद में क्रेडिट कर देंगे, ओके। तो आपको बताता हूँ कैसे होगा, उसकी हम जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं सारे के सारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ले लेंगे, ओके। और वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग द ऑल पार्टनर्स, कितना, ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो में, ओके। और नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुडविल रेज्ड एट इट्स करंट वैल्यू, जो भी उसकी वैल्यू होगी उसमें हमने रेज कर ली है, और उसके बाद हम जर्नल एंट्री डालेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो कंटिन्यू पार्टनर जो रह गए वो हमारे उसको हम करेंगे डेबिट, वो करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, जितनी भी गुडविल है सारी वो हम करेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जितनी भी उनकी नवी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आई है उसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये हमारी गुडविल रेज ऑफ होके उसके बाद हमने राइट ऑफ कर दी है, इसकी हम नरेशन लिख देंगे, बींग द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए फटाफट से इसकी भी एक इलस्ट्रेशन कर लेते हैं टीएस गरेवाल की बुक से ही, अमित अमृत एंड अखिल व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, अखिल रिटायर फ्रॉम द फर्म ऑन 1 अप्रैल 2019, ऑन विच डेट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 1,20,000, पास अनसेसरी जर्नल एंट्रीज गिविंग इफेक्ट टू गुडविल ऑन अखिल रिटायरमेंट, रेजिंग गुडविल एट इट्स करंट वैल्यू, इसमें रेज करने को बोला है हमें, ठीक है। तो हमें यहाँ पर ना ही तो कोई गेनिंग रेशो दी हुई है, ना ही कोई हमें न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो दी हुई है, वैल्यू ऑफ गुडविल दी हुई है और बताया हुआ है कि 1 अप्रैल को हमारे से अखिल जो है रिटायर हो रहा है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, जो अखिल का शेयर है उसको हम कर देंगे कट, स्ट्राइक आउट, और जो बचेंगे वो ही हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशो बन जाएगी। इस केस में हमारी न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो क्या बन गई, ओल्ड है हमारी 3:2:1, और जहाँ से अखिल जा रहा है अखिल क्या है 1, 1 कट दो और अमित और अमृत का रह गया 3:2, तो न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो हमारी बन गई 3:2। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पहली जर्नल एंट्री डालते हैं 1 अप्रैल को, गुडविल अकाउंट डेबिट 1,20,000 से फुल अमाउंट जितना था, और तीनों ही कैपिटल में हम डालेंगे टू अमित कैपिटल अकाउंट, टू अमृत कैपिटल अकाउंट, टू अखिल कैपिटल अकाउंट, और डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे विद ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो। तो कीजिए 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/6, जो हमारा आ गया 60,000, सेम ही अमृत का आ जाएगा 40,000 और अखिल का आ जाएगा 20,000, ओके। नरेशन लिख देंगे, बींग द गुडविल अकाउंट डेबिटेड विद करंट वैल्यू ऑफ गुडविल। सेकेंड जर्नल एंट्री हमारी बन जाएगी, इसमें अमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अमृत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो अमित और अमृत की अभी रहेगी कैपिटल उसमें हम सारे का सारा अमाउंट गुडविल का हम डेबिट कर देंगे। तो ये रेशियो कितनी बच गई उनकी 3:2 की। तो गुडविल का अमाउंट तो वही है 1,20,000, वो तो क्रेडिट कॉलम में आप लिख दीजिए गुडविल अकाउंट के सामने। अमित के सामने आ जाएगा हमारे पास 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/5, तो ये हमारा निकल के 72,000, और ऐसे ही अमृत का निकल के आ जाएगा 48,000, और इसकी नरेशन लिख देंगे, बीइंग द गुडविल अकाउंट रिटर्न ऑफ इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर। चलो आज हम इतना ही कर लेते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, थैंक यू। अगर कोई डाउट है तो एज यूजल मेरा जो लाइन है मैं आपको बोलूंगा कि प्लीज कमेंट कीजिए, हमारे यूट्यूब पर कमेंट कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें डीएम कीजिए, फेसबुक पर हमें मैसेंजर पर मैसेज कीजिए, या फिर हमें मेल कीजिए अपने क्वेश्चन, हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट कीजिए और शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ जितना ज्यादा हो सकता है, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जब भी आप वीडियो को देख रहे हो, सत श्री अकाल।